तो फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुका है फ्री फायर एक्स बीटीएस आर्मी वालों का कैलेंडर, जिसके अंदर आप सभी को मिलने वाला है अवतार बैनर, डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, लैम्बोर्गिनी का स्किन, पेट का स्किन एंड साथ ही साथ आपको मिलेंगे 7 बंडल बिल्कुल फ्री में। एंड गाइज ऐसे वैसे बंडल नहीं, बिल्कुल नए एंड ओपी बंडल। तो क्या गाइज आप सभी को पता है कि ये वाला इवेंट कब स्टार्ट होगा, इसका मिशन क्या होगा, मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, वो सब कुछ डिटेल इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। एंड गाइस भरोसा रखिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको सब कुछ पूरा फुल्ली डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो हमारा इवेंट शुरू होगा वो होगा 25 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक चलने वाला है। एंड गाइज इसका ऑफिशियली पोस्टर कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें इवेंट की शुरुआत होगी 25 तारीख को। तो 25 तारीख को 2 नए इवेंट आएंगे, जिसमें पहले में एक मिशन दिया जाएगा जिसमें अवतार भी नहीं मिलेगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज बीटीएस एक्सचेंज यूज बीटीएस ज्वेल टू रिडीम कॉस्ट्यूम, यानी 7 बंडल को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको रिडीम। और साथ ही साथ नियोन स्टीन एक्सचेंज 1 करके है, जिसके अंदर आपको जर्सी मिलेगा एंड टी शर्ट मिलेगा एंड एक म्यूजिक भी मिलेगा, बट इसको भी लेने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सचेंज। तो ये दोनों रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे, तो इसको लेने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको टोकन की। गाइज यहां पे देख सकते हो आफ्टर मैच ड्रॉप एंड सीएस एंड लोन वुल्फ मोड, इसका मतलब क्या होता है गाइज कि क्लैश कोड और लोन वुल्फ मोड में आप गेम खेलोगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। इससे पहले वाले इवेंट होली वाले इवेंट में क्या हुआ था, सब लोग बोल रहे भाई मुझे टोकन नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई यहां पे सब में नहीं मिलेगा, ओनली सीएस एंड लोन वुल्फ में मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैप ड्रॉप इन बैटल रॉयल, बैटल रॉयल के अंदर जो ड्रॉप होता है ना मैप, वहां पे आपको टोकन मिल जाएगा बैटल रॉयल यानी फुल मैप का जो गेम खेलते हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ सबसे ज्यादा टोकन आपको मिलेंगे 9 तारीख को, यानी 9 तारीख को आपको मिलेगा मैच ड्रॉप पे 4 टोकन, ठीक है। तो ये मतलब इसके यहां से आपको टोकन को लेना है और टोकन के जरिए आपको ये वाले बंडल सभी मिल जाएगा। तो आपको इनमें से कौन सा बंडल अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों ये वाले इवेंट के अंदर आगे बढ़ते 28 तारीख को वार्म अप मिशन नाम का एक इवेंट आएगा, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है बाउंटी टोकन, डायमंड रॉयल वाउचर एंड साथ ही साथ गोल्ड रॉयल वाउचर, जिसको लेने के लिए आपको एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों 1 तारीख को एक और नया इवेंट आएगा, प्ले टू गेट ट्रिकी जोली पेट स्किन, यानी गाइस आपको एक नया मोड या फिर कोई गेम प्ले वगैरह करना पड़ेगा, जिसका मिशन दिया जाएगा, मिशन को कंप्लीट करेंगे तो मिस्टर वेगर पेट का स्किन आपको मिल जाएगा। ये वाला पेट का स्किन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों 2 तारीख को एक और नया इवेंट स्टार्ट होगा, नियोन स्टीन एक्सचेंज, जिसके अंदर आप सभी को मिलने वाला है लूट बॉक्स या फिर बैकपैक का स्किन। गाइस ये वाला रिवॉर्ड क्या है अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपको क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते ये वाले इवेंट में 4 तारीख को 2 और नए इवेंट शुरू हो गए, बीटीएस वीक मिशन एंड रिडीम गोल्डन अनडाउंटेड स्पोर्ट्स कार। इसको लेने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मिशन दिया जाएगा, मिशन को कंप्लीट करना है, वीकली मिशन होगा, मिशन कैसा है क्या है वो तो भाई इवेंट शुरू होगा उसके बाद में आपको बता दूंगा और उसके जरिए आपको ये मिल जाएगा। फिर दोस्तों ये वाले इवेंट के अंदर 9 तारीख को हर एक इवेंट का पीक डे होता है, उसी तरह गाइस फ्री फायर एक्स बीटीएस आर्मी कैलेंडर यानी ये वाले इवेंट का पीक डे है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को जैसे ही दोस्तों आप गेम को लॉगिन करोगे तो आपको मिलेगा सरबोर्ड का स्किन एंड साथ ही साथ फेलकोपेट का स्किन, जिसके लिए आपको कोई मिशन नहीं कंप्लीट करना है, फेलकोपेट के लिए आपको वीकेंड प्ले टाइम कुछ करना पड़ेगा, बट आपको स्काईबोर्ड एकदम फ्री में मिल जाएगा जैसे ही लॉगिन करोगे आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ उसी दिन आपको टोकन मिलेंगे 4x, ठीक है। फिर दोस्तों आखिरी और लास्ट इवेंट पॉप स्वे, जो कि होगा 2 तारीख को स्टार्ट, जिसके अंदर डायमंड रॉयल वाउचर, गोल्ड रॉयल वाउचर एंड साथ ही साथ पेट के स्किन एंड गन के कैरेट मिलेंगे एकदम 30 रिवार्ड, जिसके लिए आपको मिशन दिया जाएगा। तो गाइज इनमें से कौन सा रिवार्ड आपको कैसा लगा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। तो जब भी ये वाला इवेंट शुरू होगा इसका मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली ऐसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।